हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। और अभी मैं सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, देख रहे हैं सीढ़ियों से, क्योंकि अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के और ऊपर जा रही हूँ। दोस्तों, यहीं पर मैंने शॉर्ट वीडियो बना ली हूँ, जीने पर खड़े होकर बना रही थी। और देख सकते हैं पसीने मैं बहुत ज़्यादा हो रखी हूँ। और मेरा क्लचर छूट गया था नीचे, एकदम से पैर पे ही रह गया था, तो मैं लेके ऊपर जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज शाम को 5 बजे मेरा शॉर्ट वीडियो बना है दोस्तों। इसलिए क्योंकि आज हमें टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी, इसके वजह से। और आज बहुत सारा काम हो गया था, तो आज हमारा शाम को शॉर्ट वीडियो बना है दोस्तों, शाम को बिल्कुल। अभी 5:30 बज गया, बल्कि बनाते बनाते 5 बजे शुरू करे थे और पूरे 6 बज गया है दोस्तों। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, जो कि आपको देख रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता चाहिए, सब चीज़ बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, यूट्यूब पे हम जानते हैं जो कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और उसमें शॉर्ट बनाने में दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, कितना मुश्किल होता है ना, हम लोग जानते हैं। और अभी मेरा बेटा आने वाला है स्कूल से दोस्तों, और देख सकते हैं हमारा बेटा डंबल भी ना कितना सारा जोर रखा है, देख सकते हैं। दो डंबल को खोल के एक डंबल बना रखा है दोस्तों, उसके देख रहे हैं। दो डंबल का एक डंबल लोहा अलग पर देख रहे हैं, जोड़ के कैसे करके बना रखा है बच्चों ने। अब छोटा आ जाएगा और वो लेगा फ़ोन पबजी खेलने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीछे वीडियो वगैरह में बताती रहती हूँ। और काफ़ी गर्मी है दिल्ली में, जितनी बारिशें हो रही है ना दोस्तों, उतनी ज़्यादा भपका बन रहा है, उतनी ही ज़्यादा हो रहा है, भपका बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा घुमच नहीं होती एकदम से, वो वाली हो रही है मतलब, इतनी ज़्यादा जितनी बारिश, कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल दोस्तों। और बारिश होने के बाद और गर्मी हो रखी है, और आज तो और भी ज़्यादा गर्मी हो रखी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। देखिए अभी मेरा बेटा खाना वाना खा के गया था, तो हम बनाए हैं दाल चावल बनाए थे, और वो ना चौलाई वाले साग होते हैं जो, वो बनाए थे। और उसके बाद आलू का चोखा बनाए थे दोस्तों, हमारे बिहार की फेवरेट आलू का चोखा ये बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ना बहुत पसंद है आलू के चोखा, तो हम इसलिए ज़्यादातर आलू का चोखा ही बनाते हैं ज़्यादातर, क्या उनको पसंद है तो बना देते हैं उनके लिए। और देखिए मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, शॉर्ट वीडियो बनाना था दोस्तों, फ़ोन भी चार्ज नहीं था, फिर मैंने फटाफट से यहाँ चार्जर लगाई हूँ, चार्जर लगा के। और जब तक मैं अपना तैयार वैर हुई थी, मेरा बेटा नहा वहाँ के ट्यूशन जाने के लिए तैयार होता, इतने में मैं तैयार हुई, और तब तक फिर मेरा फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो गया था दोस्तों। और कल की बारिश जो आई थी ना, सारे कपड़ों में से स्मेल सी आ रही है, कल जो हम धोए थे ना कपड़ा, वो सुखाए ही नहीं थे दोस्तों, मतलब कि कहाँ कब सुखाते, सुखाए ही नहीं थे ना, और सारे में बदबू, मतलब स्मेल अजीब सी नहीं आ जाती है घुमच वाले, तो ऐसे स्मेल आने लग जाती है कपड़ों में से। और जब उससे क्या करते हैं, उससे अगर मुंह पोछा जाए, उससे हाथ पोछा जाए ना दोस्तों, तो एकदम उसी में से बदबू अजीब सी आने लग जाती है। कल वाले कपड़े जो हम धोए थे उसको पता है दोस्तों, उसको हम रात को 7 बजे सुखा के आए थे, और फिर याद नहीं था ना, तो फिर हम रात को जब सोने जा रहे थे 11 बजे, तो अब नीचे चले गए थे हम लोग सोने, फिर जाके 11 बजे रात को याद आए, जो हमने तो कपड़ा लाया ही नहीं ऊपर से, फिर 11 बजे रात को गए तो कपड़ा लेके आए थे हम नीचे से दोस्तों। और कितने दिनों से धूप नहीं निकल रखी है, ये तो आप लोग को पता है, धूप नहीं निकलती कितने दिनों से, बट ये सब फालतू का है, धूप नहीं निकलना, पर गर्मी तो 4 गुना ज़्यादा है दोस्तों, 4 गुना ज़्यादा है। इतनी भी एक पत्तियाँ भी नहीं हिल रही है दोस्तों, यहाँ से एक पत्तियाँ भी नहीं हिल रही है, इधर देख सकते हैं आप लोग, इतनी इतनी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है दोस्तों। और दिल्ली में तो जानते हैं केजरीवाल ने सब्सिडी बंद कर दिए हैं, तो अब सबको भी लाना शुरू हो गया है दोस्तों, अब लोग वाकिलस रखे हैं जो केजरीवाल जी ने क्यों बंद कर दिए, लोग आदत ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने के बाद ना तो फिर किलसते हैं। हमारा भी बिल आया है, सबका आया है, तो अब थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं ज़्यादा, पहले भी करते थे, क्योंकि बिजली का बिल है, आज हम थोड़ा बचा लेंगे, तक हो सकता है किसी के घर में, गरीब घरों में या किसी के घर में जैसे थोड़ी सी तो उसके घर में जल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों, तो इसके वजह से। और आज हमारा सिलेंडर भी आया है दोस्तों, तो हम सिलेंडर को भरा हुआ को यहीं जीने पे रख दिए हैं लेके, इस पे थोड़े बहुत कपड़े डाल रखे हैं। और आज ना मेरा बेटा है, जो घर में हम दरी डाल रखे थे ना,
तो ना बारिश जब होती है तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है, बारिश होने के बाद ना पता है क्या होता है दोस्तों, पूरे जितने भी जमीन वगैरह होते हैं ना, सारे में सिलन आ जाती है, जमीन भी चिपचिपा सा हो जाता है, बिल्कुल दोस्तों चिपचिपा सा हो जाता था। आज ना मेरा बेटा ने वो धोया है धरी, और थोड़ी सी खुली हवा में आई हूँ, थोड़ी सी अब लग रहा है थोड़ी सी सांस सी आई, ठंडी ठंडी थोड़ी हवा आ रही है, और इसलिए ठंडी ठंडी लग रही है क्योंकि मैं थोड़ी पसीने में गीले हो चुकी हूँ और इसके वजह से थोड़ी हवा सी आ रही है, तो अच्छा लग रहा है फेस पे, ठंडा ठंडा सा लग रहा है दोस्तों। और मैं आ चुकी हूँ बिल्कुल अपनी तीसरी मंजिल के छत पे आ गई हूँ दोस्तों, और देखिए मेरा केवल का तार है यहाँ पे, और जब इनका घर बना तो हमारा केवल का तार ना बहुत गंदा हो गया है, और ग्रिल वगैरह जो है ना सारे गंदे पड़े हैं, पूरा हो गया है गंदा दोस्तों बिल्कुल ही। तो ना बाद में हम करेंगे, इनका पूरा फिनिशिंग हो जाएगा ना तो उसके बाद ना हम बाद में इसको फिर अपना ग्रिल को तार वार को धोएंगे, इतना गंदा हो गया है ना ग्रिल हमारा सब कुछ, थोड़ा पेंट भी कराना पड़ेगा हमें। अब हम आ गए हैं थोड़ा देर छत पे, अगर कोई नहीं होगा तो चलिए एक सेकंड के लिए घूम भी लेते हैं ऊपर। ये देख सकते हैं इधर दरी डाल दिए थे सूखने के लिए, तो ये मेरा बेटा ने धोया दरी तो यहाँ पे आज डाल दिए, आज पहली बार मेरा बेटा ने धो दिया है दरी, बोला मम्मी मैं धोऊंगा। आ मेरा गमला गिर गया है पीछे पानी में, ऐसे कैसे गिरा गमला पानी में वो तेरी के। ये देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आप लोगों से, अभी देखी हूँ आके कैसे गिरा, ये देख सकते हैं रख रखी हूँ, एक बीच में से गिर गया है पीछे प्लॉट में गिर गया दोस्तों, और प्लॉट की गहराई बहुत है, कचरा भी है, और उसको शाम को लाएंगे, तो नहीं जा सकते हैं। ये देखिए पर वो साइड में है, ले आऊँगी, टूटा हुआ नहीं है, उसी के अंदर है, मिट्टी निकला नहीं है दोस्तों, तो ले आएंगे आज, अभी जाके थोड़ी देर में ले आऊँगी। वो थोड़ा टेंशन सा हो गया, इतना अच्छा से बना रखे है, मेहनत कर रखे है, और भी तीसरी मंजिल पे हूँ, और पीछे खाई की तरफ गिर गया है दोस्तों, ये देख सकते कितना अच्छा लग रहा था, यहाँ से एक गमला गिर गया। चलिए दोस्तों फिर बाबा आए, अब देखते हैं नीचे जा रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ले आएंगे ना तो कोई और उठा के ले जाएगा, तो इसकी वजह से ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से कल की वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करना, कमेंट करना है, शेयर करना आप लोग, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बाय बाय।